हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ मसूर के दाल के भुनी दाल बनाने के लिए, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ पर जिस जो भी चीज़ मुझे उसमें लगेगी मैंने सब यहाँ पर निकाल के रख लिया है। तो आइए चलिए बनाते हैं। पहले हमें दाल को अच्छे से पानी से वॉश करना है, इसमें जो भी रहे कचरा वचरा सब इसमें का हमें निकाल देना है। तो कुकर मैंने यहाँ गर्म होने के लिए रख दिया है। जब कुकर का हमारा जो भी ये एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए, उसके बाद ही हमें इसमें ऑयल ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें का एक्स्ट्रा पानी जो था वो सूख चुका है, अब इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। तो जब हमारा ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए उसके बाद ही हमें इसमें प्याज ऐड करना है। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे, फिर इसमें सूखी मिर्च ऐड करें। अब हमें प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक पकाना है। जब प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसमें दाल को ऐड करेंगे। तो प्याज जो है वो हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम दाल ऐड करेंगे। अब हमें दाल को 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से भून लेना है। अब इसमें कुछ तेज़पत्ते ऐड करें, मैंने 3 ऐड किए हैं, आप चाहे तो अपने अनुसार ज़्यादा कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें। फिर इसमें 1/2 स्पून हल्दी पाउडर ऐड करें। हल्दी पाउडर मैंने कलर के लिए दिया है, आप चाहे तो दे भी सकते हैं हल्दी पाउडर, नहीं भी ऐड कर सकते हैं। तो दाल जो है वो हमारा भून चुका है, अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, 2 कप के अनुसार ऐड करना है। अब इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। फिर हमें कुकर का ढक्कन बंद कर देना है। हमें कुकर के 3 सीटी आने का वेट है, वो हो चुका है। अब हम कुकर को खोल के देखेंगे दाल हमारा गला है या नहीं। तो दाल जो है वो हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है, अब इसमें हम अपने स्वाद के अनुसार पानी ऐड करेंगे, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अब हम इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट हल्का पकने देंगे, उसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। 1 टेबल स्पून घी लिया है और ये 6-7 कड़ी पत्ते और 1 हरी मिर्च लिया है। अब हम इसका तड़का लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो दाल है वो बनकर रेडी है, कितनी लजीज दाल बनी है आप देख सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रोटी के साथ भी, चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी खाने में। तो आप ज़रूर ट्राई करें अपने घर पर।